हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब सुरक्षित होंगे। तो गाइज मुझे जाना पड़ेगा आज शिमला, क्योंकि मेरी कल जो है बीएड की काउंसलिंग है। तो मैंने सोचा कि ना आपको भी शिमला घुमा के ले आऊँ। कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दिखाने की। तो गाइज अभी जो है मुझे 12 बजे तक मेरा भी पेपर है, उसके बाद मैं दोपहर में ही जो है नाहन कॉलेज से ही निकल जाऊँगा शिमला के लिए। तो गाइज अभी जैसी नोटिफिकेशन आई है कि पुलिस का जो है एग्ज़ाम के जो दो सेंटर बनाए गए हैं, एक कालेआम वाला हिमालयन और दूसरा जो है गर्ल्स के लिए पीजी कॉलेज नाहन, तो उसी पीजी कॉलेज में मेरा अभी पेपर है। तो आपको मैं थोड़ा वहां का और भी दिखा लूँगा ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिल सके। यदि यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सकते हैं पीजी कॉलेज का यहाँ से गेट स्टार्ट होता है और ऊपर आप कॉलेज देख सकते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये है पीजी कॉलेज नाहन का, जहाँ पर गर्ल्स का जो पुलिस का रिटर्न होने वाला है। वैसे गाइज़ आपको पता होगा कि जो नाहन दिल्ली गेट है वहाँ से बनो का डिस्टेंस 2-2.5 किलोमीटर का है। तो गर्ल्स अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका पुलिस का रिटर्न है तो आपको जो है जल्दी से आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है बस का जो है रश कम होता है और भीड़ जो ज़्यादा होती है। तो गाइज़ अब मिलते हैं आपको पेपर के बाद, तो फिर चलेंगे शिमला की ओर। तो गाइज अभी पेपर देखकर मैं हो चुका हूँ फ्री और अब मुझे करना पड़ेगा बस का वेट। मैं अभी थोड़ा खा पी लेता हूँ, इसके बाद तो सीधा शिमला ही खाना मिलेगा, सुबह भी खाना नहीं खाया है। तो दोस्तों आपको ब्लॉग में बने रहना है। गाइज मैं पहुँच चुका हूँ अभी नैना टिक्कर और अभी यहाँ से 2-2.5 घंटे का रास्ता रहता है। तो गाइज आप ये जो है नैना टिक्कर का व्यू देख रहे हैं, मौसम जो एकदम साफ़ है। और दोस्तों अगर बात करें गर्मी की तो यहाँ पर अभी ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा है, आगे शिमला जाकर ही मौसम जो है ठंडा लगने वाला है। यहाँ पर जो है नॉर्मल टेम्परेचर है जैसा कि नाहन में है, लेकिन थोड़ी बहुत हवा यहाँ पर चल रही है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर, नेक्स्ट व्यू आपका शायद शिमला ही रहेगा या सोलन। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूं शिमला में और अभी बाईपास के पास है, यहां से पुराने बस स्टैंड के लिए बस में जाना पड़ेगा, वहां फिर देखते हैं थोड़ा। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूं अभी पुराने बस स्टैंड के पास और अभी दोस्तों मौसम भी ठंडा ठंडा है और हल्की हल्की धूप लगी हुई है। तो अभी जो ओवर भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सूरज अभी ढलने को है और ये है आपका पुराना बस स्टैंड जो कि शिमला। और दोस्तों व्यू तो आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा, और मौसम एकदम ठंडा है दोस्तों। तो गाइज अभी मौसम भी ठंडा है तो मुझे अपने कपड़े भी चेंज करने पड़ेंगे। अभी दोस्तों देखना पड़ेगा शाम का अरेंजमेंट, जहाँ पर सोना है, तो उसके बाद अगर टाइम लगा तो मैं अभी कोशिश करूँगा रिज पे जाने की। और वैसे आप घूम तो बहुत चुके हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है उनको अच्छा लगेगा, तो आपको ब्लॉग में बने रहना है और चलते हैं फिर। फाइनली गाइज मैंने अभी कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और ठंड लगी हुई थी, तो अभी मैं जा रहा हूँ रिज मैदान में और अभी रात के अरेंजमेंट भी हो चुकी है तो अभी घुमाएंगे आपको भी। तो गाइज फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ रिज मैदान में और यहाँ पर लोगों का बहुत ही ज़्यादा रश लगा हुआ है और काफ़ी अच्छा देखने को व्यू है दोस्तों। और बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, नीचे से ऊपर आते हुए भाग भाग के आए हूँ क्योंकि टाइम कम था। तो गाइज आप दोस्तों की वजह से ही मेरा यहाँ शिमला का टूर बना। मेरे हिसाब से जो दोस्त मुसीबत के टाइम जो काम आता है वही सच्चा दोस्त होता है दोस्तों, मेरे साथ ऐसा ही कुछ चला हुआ था।
खुद से परेशान था, फैमिली में थोड़ी अभी दिक्कतें आ रही थी, तो दोस्तों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उनकी बदौलत से मैं दोस्तों यहाँ पर आया। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ का शाम का व्यू, क्योंकि मेरे दोस्त ने बताया था कि यहाँ पर शाम को ज़्यादा अच्छा लगता है और अच्छा व्यू आता है। तो दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे थोड़ा सपोर्ट करें। तो गाइज आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सुंदरता और व्यू, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा प्यारा तिरंगा कितने अच्छी तरीके से लहरा रहा है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं अकेला जो है शिमला आया हूँ, अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा बुरा भी लग रहा है, क्योंकि अक्सर जब भी शिमला आए कोई ना कोई साथ में होता था, यार दोस्त फ्रेंड्स वगैरह, तो दोस्तों उनकी भी याद आ जाती है। जब आप किसी जगह पर किसी के साथ जाओ और अगली बार जब आप आओ तो अकेले हों, तो दोस्तों आप फ्रेंड को मिस ज़रूर करोगे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, तो काफ़ी मिस कर रहा हूँ अपने पुराने फ्रेंड को। तो यदि वो वीडियो देख रहे हैं तो आई मिस यू। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी कुछ इस प्रकार से व्यू दिख रहा है और लोगों का रश तो आप देख ही सकते हैं। यहाँ से जो है जाखू का मंदिर काफ़ी दूर है, तो मैं अभी वहाँ तो जा नहीं सकता क्योंकि टाइम भी कम है, और कल भी शायद मैं आपको ना दिखा पाऊँ क्योंकि यूनिवर्सिटी में जाना है और वहाँ भी टाइम लगना है। उसके बाद दोस्तों कल ही मुझे घर जाना पड़ेगा, तो आपको इसी ब्लॉग में मैं आपको यूनिवर्सिटी भी दिखाऊँगा। तो गाइज अभी आपको दिखाता हूँ रिज मैदान से शिमला का जो नाइट का व्यू है, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से एकदम जन्नत दिखाई दे रही है। कैमरे में शायद कम ही दिखाई दे रहा होगा। तो गाइज आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसे कभी घूमने शिमला नहीं आया हूँ स्पेशल घूमने, इसलिए दोस्तों मुझे यहाँ पर ज़्यादा जानकारी भी नहीं है कि क्या कुछ यहाँ पर देखने लायक और है। तो अगर दोस्त वगैरह साथ में होते तो शायद मैं आपको और अच्छे से दिखा पाता। और गाइज किसी ना किसी पर्पज़ से शिमला आना होता था, जैसे भर्ती वगैरह और यूनिवर्सिटी का काम, ऐसे घूमने मतलब एक दिन के लिए जैसे आना जाना जिसमें करना होता था, इसलिए ज़्यादा नहीं घूम पाया। तो गाइज आई होप कि आपको फिर भी इस ब्लॉग में काफ़ी कुछ देखने को मिला होगा, तो कमेंट करके तो दोस्तों ज़रूर बताइए। और गाइज सच बताऊँ तो मुझे तो रिज जाने का रास्ता भी मालूम नहीं था और आइडिया नहीं लग रहा था। वैसे जब मैं पहले रिज पे आया था तो उस टाइम हम दिन में आए थे, तो अभी थोड़ा आइडिया लगाना मुश्किल है, और ख़ास कर तब अगर आपका रास्ता चेंज हो। तो मैं दूसरे रास्ते से भी रिज में गया था, तो अभी दोस्तों बड़ी मुश्किल से वापस आया हूँ, तो बने रहिए। तो गाइज मैं बैठा हूँ अभी खाना खाने, और इसके बाद चलेंगे रूम में सोने, फिर मिलते हैं आपको कल सुबह। कल सुबह मेरा रहेगा यूनिवर्सिटी जाना, टाइम रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको वहाँ का भी दिखाऊँगा। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों एक बार फिर से नई सुबह के साथ आपका स्वागत। तो गाइज अभी मैं अब रेडी हो चुका हूँ यूनिवर्सिटी जाने के लिए, अभी थोड़ा सुबह नाश्ता करते हैं, उसके बाद देखते हैं यूनिवर्सिटी के समर हिल के लिए जो बस आएगी उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी दिखाएँगे, तो बने रहिए।
और गाइज मौसम अभी एकदम जो है साफ़ है, आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा देखने को लगता है, हरी भरी हरियाली। ये आप पुराने बस स्टैंड से व्यू देख रहे हैं दोस्तों। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं यूनिवर्सिटी में, और यहां पर जो है हर सब्जेक्ट वाइज जो है अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। तो अभी मेरे दोस्त ने भी एक हेल्प के लिए बोला था, उनका थोड़ा रिजल्ट रुका हुआ है एमए का, तो अभी उसका भी पता करेंगे। तो गाइज अभी अकेला था तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, लेकिन मेरे जो क्लासमेट और मेरे सीनियर है एक दो जो है मिल चुका है। तो गाइज आप देख सकते हैं ये है ICDOL की बिल्डिंग जहाँ पर हमारी काउंसलिंग होनी है। और गाइज आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग है, यहाँ पर जो है एमए वगैरह और आपका कॉलेज का जो भी DMC वगैरह करेक्शन करनी होती है, इस बिल्डिंग में आपको आना होगा। देख तो गाइज अभी काउंसलिंग के लिए बहुत टाइम लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो आपको ब्लॉक में बने रहना है। और इधर आप देख सकते हैं मेरे जो सीनियर जो सो रहे हैं। तो गैस अभी काफ़ी टाइम लगना है काउंसलिंग के लिए, तो अभी हमने दोपहर का खाना ऑर्डर किया है और हमें मुझे मिल गई यहाँ पर फ्रेंड्स वगैरह। आप बता सकते हैं क्या नाम आपका, बता दो कहाँ से आप? मंडी से। और दूसरे हमारे आप देख सकते हैं दोस्तों खाने में। तो गाइज फाइनली हम अभी फ्री हो चुके हैं और आप देख सकते हैं सुबह से परेशान बैठी यहाँ पर आत्मा। और ये इधर हमारे कुछ सीनियर्स मिल गए थे जो कि अपने ही साइड के। इधर है हमारे हैप्पी भाई और हैप्पी, चलो कोई नहीं, इधर हमारे ड्राइवर भाई। तो गाइज अभी हो चुके हैं हम फ्री एकदम, और अभी हमने जाना है घर। अभी शाम के लगभग 4 बज चुके हैं और अभी बस तो खैर नहीं है, लेकिन जो जानने वाले मिले हैं उन्होंने बोला है कि हमारे साथ गाड़ी में आना। तो गाइज आई होप कि आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करो दोस्तों, कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तब तक बने रहिए यूट्यूब चैनल पर।